अभ्यर्थियों के अंक 140 से ऊपर आए हैं। 1,23,000 अभ्यर्थियों के अंक 140 से ऊपर आए हैं, जो सीधा बड़ी लेन देन को इंगित करता है। सरकार अगर परीक्षा को रद्द नहीं करना चाहती है तो इतना ही कर दे कि ये जो मैं 1,23,000 बता रहा हूं इनके इनके रिजल्ट ही घोषित कर दे, तो यही अपने आप कपड़े फाड़ेंगे, सरकार के पैसे वापस लेंगे। तो ये तो कभी किसी परीक्षा में नहीं होगा। और ये 140 से 148 तक नंबर है। अब माननीय सुभाष गर्ग का ट्रैक रिकॉर्ड सदा संदिग्ध रहा है। इनके कार्यकाल में रद्दी घोटाला हुआ, इनके कार्यकाल में टेट का पेपर लीक हुआ, 2013 में पहली बार परीक्षा आवेदन पत्र को लेकर ओएमआर सीट जारी करने की जिम्मेदारी इन्हीं सुभाष गर्ग ने माइक्रोसॉफ्ट कंप्यूटर फर्म को दी थी, जो अजमेर की है। माइक्रो